हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आया हूं, दो बड़ी खबरें लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर है पेंशनर्स के 18 मंथ्स के डीए और डीआर के एरियर्स को लेकर के। साथ ही साथ दूसरी बड़ी जो अपडेट है वो आपको एडिशनल पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के मैं बताने वाला हूँ। दोनों खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के रेड बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। चलिए पहले बात कर लेते हैं एडिशनल पेंशन पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 80 वर्ष के बाद ही आपके एडिशनल पेंशन में 20% की वृद्धि की जाती है, यानी कि जो बेसिक होता है उसमें 20% की वृद्धि की जाती है। साथ ही साथ 100 साल की सर्विस पूरी होने पर या 100 साल की एज पूरी होने पर आपको 100% पेंशन दी जाती है। लेकिन इसी बीच अब जो है सरकार को कर्मचारियों और पेंशन के एसोसिएशन की तरफ से एक लेटर लिखा गया है, जिस लेटर में जिसमें पेंशनर्स और कर्मचारियों के दो बड़े इश्यूज़ उसमें डिमांड की गई है। जिसमें पहला बड़ा इश्यूज़ है कि उनकी एडिशनल पेंशन को बढ़ाया जाए, साथ ही साथ एडिशनल पेंशन को 65 वर्ष से लेकर के 75 ईयर्स में इसमें बढ़ाया जाए, यानी कि 60 से 65 साल में 5%, 65 से 70 साल में 5%, 70 से 75 साल में 5%, ऐसे कर करके 5 साल के ब्लॉक में 5% की उसमें बेसिक में बढ़ोतरी की जाए। साथ ही साथ दूसरी जो बड़ी सरकार से रिक्वेस्ट की गई है वो है 18 मंथ के डीए और डीआर को एरियर्स को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है कोविड के टाइम पे 18 माह का डीए और डीआर का एरियर्स रोक दिया गया था, लेकिन उसके बाद बढ़ते हुए रेस्पेक्टिव रेट्स पर उसको दिया गया था। लेकिन अब जैसे ही डीए और डीआर में फिर से सब बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद में पेंशनर्स और कर्मचारियों ने सरकार से रिक्वेस्ट की है कि 18 माह का डीए और डीआर जल्द से जल्द सरकार उनको लागू करना चाहिए। हालांकि सरकार ने पहले भी रिटर्न ऑर्डर में बोल चुकी है कि 18 माह का डी ओ डी आर का एरियर्स उनको नहीं दिया जा सकता, लेकिन फिर भी यूनियंस और फेडरेशन लगातार इसके रिगार्डिंग सरकार से बातचीत कर रही हैं और जल्द से जल्द कोई ना कोई इसमें बड़ा अपडेट देखने को मिल सकता है। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, शेयर सभी के साथ करेगा। ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं।